हाँ ये मेरा बच्चा है मुश्ताक, 2010 में गया था ये, तो 5 साल से वापसी आया, मैंने शादी कर दी इसकी। शादी करे बाद 15 रोज बाद चला गया ये, कि जाने के बाद 15 रोज बाद मेरे पास समाचार आ गए भाई मैं आ गया हूँ राजी खुशी। अब फिर है ना ये लापता हो गया, पता ही नहीं है वो कहाँ है, ख़त्म हो गया, जेल में है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप सुने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ इसकी, मुझे पता चाहिए ये कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। अब दिल्ली तक गए हम, वहाँ से जाए हम, हमारे पास क्या है साधन, कोई पता नहीं है। वीजे से गए तो पासपोर्ट वीजा सब लगा कर 5 साल लेकर आया वहाँ, नमस्कार साथियों, आज हम एक बात टॉपिक पे बात करेंगे भाई, गंभीर मुद्दा रहेगा वी से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड। हालांकि ये तो एक एग्जांपल है, बाकी कहीं पर भी आप किसी भी देश में रहते होंगे सभी देशों में ये बात लागू होती है। जी हाँ, आपने सुना होगा यार, ये वीडियो मैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि भाई ये वीडियो देखिए आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करें। हाँ। मुश्ताक खान राजस्थान चोमू जयपुर की हम बात करेंगे भाई, बता दूं इसकी स्टोरी पहले सुन लीजिए और आप लोग इसमें कितना सपोर्ट कर सकते हैं वो सऊदी के लोकल लोगों पे डिपेंड करेगा और हर उस इंसान की जिम्मेदारी होती है जो सऊदी में रहता है, क्योंकि कोई भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की। जी हाँ, बता दूं मुश्ताक खान सऊदी में रह रहा था, 2016 की बात बता दूं, 2016 में आया था, उनकी शादी हो गई घर पे, शादी के 15 दिन बाद में ये बंदा वापस चला गया सऊदी अरबिया। जी हाँ, 15 दिन में इसका घर पे फ़ोन आया, बोला काम लग गया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट फ़ोन इसका आया था, कंपनी की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन गल्फ मेटल कंपनी है, जी हाँ, जद्दा में, उस कंपनी में ये बंदा काम कर रहा था। जी हाँ, इसका पासपोर्ट की कॉपी भी आप देख सकते हैं, चोमू राजस्थान का ये बंदा है, मेरे को किसी ने बताया, तो मैं भाई आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप इसकी सपोर्ट करिए। हालांकि मैटर हो गया 4-5 साल पुराना, जी हाँ 5 साल से इस बंदे का कोई अता पता नहीं है, बता दूँ पूरा एड्रेस भी मैं दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। 15 दिन बता दूँ, 15 दिन में बाद में इस कंपनी का घर वालों के पास फ़ोन आया कि आपके मुश्ताक ने आत्महत्या यानी सुसाइड कर लिया। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपनी ने कोई सबूत नहीं दिया, कोई फोटो नहीं दी, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, कोई डेथ सर्टिफिकेट आपको पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया, इंडियन एम्बेसी को कोई सूचित नहीं किया गया, इंडियन एम्बेसी से इधर कोई सूचना नहीं मिली। जी हाँ, ये लोग फिर दिल्ली एम्बेसी गए, दिल्ली एम्बेसी ने इनके सामने ही बैठ के सऊदी एम्बेसी को कॉल किया, सऊदी एम्बेसी वहाँ मौके पे उस जो फैक्ट्री का नाम बताया गया वहाँ पे गई, वहाँ पे ऐसा कोई सबूत इनको नहीं मिला। जी हाँ, अब बताओ जी क्या किया जाए, एक घर का बंदा सऊदी में जाके और कंपनी बोलती है, कंपनी ने फ़ोन किया कि सुसाइड कर लिया, फिर इधर के लोग जाते हैं इंडियन एम्बेसी के अधिकारी पहुँचते हैं, बोलते हैं यहाँ तो कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं, यानी उसका कोई रिकॉर्ड तक भी नहीं बताया गया। जी हाँ, अभी बाद में दोबारा कंपनी से कॉन्टेक्ट किया गया तो कंपनी ये बोलती है कि आप सबको छोड़िए, आप ये लिख के दे दीजिए या बोल दीजिए कि मुश्ताक नाम का हमारे यहाँ पे कोई लड़का नहीं रहता है। जी हाँ, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। आप बताओ जी ये क्या संभव हो गया है, क्या इस बंदे का किसी ने मर्डर करके मतलब बॉडी को ठिकाने लगा दिया, या फिर ये बंदा ने कोई गलत काम किया है, जेल में है, कहाँ है ये बंदा, क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? आप सोचिए कि भाई अगर जेल में होता तो भी 100% संपर्क में हो जाता, पुलिस केस हो जाता है तो बंदे को पता लग ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि साथ वाले और भी मिल जाते हैं तो बंदे का मैसेज घर तक पहुंच जाता है। बाकी 5 साल कम नहीं होते भाई, शादी के 15 दिन के बाद में जो बंदा विदेश गया उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगा है। तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो लोग सऊदी अरबिया में जद्दा में रहते हैं भाई, देखिए ये कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन गल्फ मेटल कंपनी, फैक्ट्री में जो बंदा कर रहा था और कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है, जबकि बंदा अगर कंपनी में कुछ हो जाता है तो होना कंपनी की जिम्मेदारी है ना, कि भाई बंदा कंपनी में पहुंच के फ़ोन करता है और उसके बाद बंदा 4 साल से गायब है, कंपनी फ़ोन करती है कि आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया है, तो आप बताइए इसका, आप लिख के दीजिए कि ऐसा कोई बंदा नहीं, तो ऐसा क्या संभव है?
तो इसका क्या रीजन हो सकता है, कंपनी ने उनके साथ क्या किया है, उनके अधिकारियों ने उनके साथ क्या किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो मुश्ताक नाम का मैंने पासपोर्ट नंबर, इसका पासपोर्ट कॉपी भी दे रहा हूँ, अगर आप जद्दा में हैं इस कंपनी के आसपास में, या कोई सिविल कोई एनजीओ चलाते हैं, या कोई मानवाधिकार संस्था, बहुत सारी संस्थाएँ यूएई सऊदी में हैं जो ऐसे लोगों की हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं घर का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का एड्रेस, उनका सब कुछ दे दूंगा। तो आप प्लीज़ उनकी पूरी इंक्वायरी करके अगर हो सके तो इनकी हेल्प करें, ताकि पता तो लगे। इंडिया के बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है विदेशों में, लेकिन उनकी बॉडी घर पे आ जाती है तो एक संतुष्टि के साथ, उनका आत्मसम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जी हाँ, जैसे अभी दुबई से आई थी, आप सबको पता है, झुंझुनू में कोरोना काल में, लेकिन वो अंतिम संस्कार घर वालों की एक संतुष्टि हो जाती है वो। लेकिन एक बच्चा अगर शादी के 15 दिन बाद में गायब हो जाता है, 5 साल तक उसका अता पता नहीं है, तो ज़िंदगी भर घर वालों को आस होती है कि क्या पता किधर से फ़ोन आ जाए, क्या पता किधर से बच्चा आ जाए। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये वीडियो भी आपने देखा होगा, उसकी बूढ़ी माँ का ये वीडियो है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और आप हेल्प कीजिए इसमें कि इस बच्चे तक ये मुश्ताक खान का रियल में पता लग गया। अगर इसकी डेथ भी हो जाती है तो ठीक है, कम से कम संतुष्टि तो मिलेगी। इसमें लापरवाह कौन है कि एक बंदा विदेश में जाके अगर उसकी डेथ हो जाती है और कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ऐसा हो नहीं सकता। आप पता लगाएं, जैसे ही आपके पास न्यूज आए आप मुझे बता सकते हैं, घर का कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ बता सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग और कोई इंक्वायरी है, इसी तरह का कोई केस है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें। बस उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।